पंचायत समिति गंगराल के पूर्व प्रधान रहे देवीलाल जाट पर शुक्रवार रात को फायर हुए। ये घटना उस समय हुई जब जाट अपने होटल से घर लौट रहे थे। इस दौरान सामने कार ने टक्कर मार दी और उसमें सवार लोगों ने फायर किए। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग थाने के सामने एकत्रित हुए। गंगराल पुलिस थाने पर भी रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने भी मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। जानकारी में सामने आया कि गंगराल पंचायत समिति के पूर्व प्रधान और भाजपा नेता देवीलाल जाट पर रात 8 बजे बाद फायरिंग हुई। इस संबंध में देवीलाल जाट ने पुलिस थाने पर रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि वह अपनी होटल पहले से कार में सत्यनारायण शर्मा के साथ घर आ रहा था। इस दौरान कार सत्यनारायण शर्मा चला रहा था। मार्ग में राजधानी होटल से पहले सर्विस रोड पर सामने से स्कॉर्पियो आया, जिसे भेरू चला रहा था। ईश्वर सिंह साइड में बैठा था और राजू सहित 5-7 अन्य लोग भी बैठे हुए थे। इन्होंने प्रधान की कार को टक्कर मार दी। बाद में ईश्वर सिंह ने नीचे उतर कर 3-4 फायर कर दिए। उस रंजीश को लेके ये सुबह से मेरी रेकी कर रहे थे। जैसे ये भी शाम को मैं गंगरार से होटल गया, होटल से सत्यनारायण जी मेरे महामंत्री हम दोनों घर जा रहे थे। तब इन्होंने जैसे ये अपने ये अभिपट्टी वाला पुड़िया है उसके नीचे से हम आगे निकले और इधर से ये रॉन्ग साइड से आए। आते हमारी गाड़ी को इन्होंने टक्कर मार दी। 2-3 बार टक्कर मार के फिर भेरू झूबड़ा और ईश्वर सिंह, इन दोनों के हाथ में पिस्टल थी और दोनों ने फायर करना चालू कर दिया हमारे ऊपर। कौन सी गाड़ी थी उनके पास? उनके पास स्कॉर्पियो थी ब्लैक कलर की। उसके 941 नंबर है मेरे साथ, लास्ट में 41 नंबर है, ये तो कंफर्म है। तो 900 और उसके अंदर 4-5 लोग और थे, जिसमें गरु झूबड़ा, गोपाल, पुनीत भाई थी, इस तरह के लोग। ये पूरी पूरी गैंग थी जो कि पूरी इस सीट रहे और आए दिन रोड पे छोटे मोटे बच्चों के साथ मारपीट करना, लूटपाट करना, खुला हफ्ता वसूली करना। ठीक, इस वजह से ये लोग हमारे से रंजिश रखते हैं कि जो किसी के साथ अन्याय होता है हम उसके साथ खड़े होते हैं। किस जगह की घटना है ये? अपने राजधानी होटल के कोने की घटना है। लगभग कितने बजे की? ये 8:15 की बात है, 8:15-20 की बात है। कितनी फायरिंग हुई लगभग? ये 3-4 फायर की हमारे ऊपर। 3 कारतूस तो जिंदा हमारे को नीचे मिले और 2-3 कारतूस मेरी गाड़ी के अंदर अभी भी लगे हुए हैं। गोली अभी भी लगी हुई है। पुलिस का इनको डर है नहीं, कर भी जैसा मुकदमा दर्ज कराना है तो इनकी इतनी हिम्मत हुई कि थाने के अंदर आ गए हमारे साथ साथ। तो पुलिस का इनको संरक्षण है, इसलिए ये इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जब तक तो कार्रवाई नहीं होगी तो ये हमारा एरिया यूपी बिहार बना जा रहा है। उसमें राजनीतिक संरक्षण है, उसमें कुछ हमारे लोग पार्टी के लोग भी मिले हुए हैं और हमारे विपक्षी पार्टी के लोग भी मिलकर हमारे को खत्म करना चाह रहे हैं। इनकी पूरी नीयत है।